Okay, hello everyone, welcome back to Classes Live, welcome to our channel and welcome to Chemistry. Today we will discuss another chapter number 3, that is known as Organic Chemistry. Organic Chemistry, that is chapter number 3, class 10th, Organic Chemistry. इससे पहले हमने दो chapter clear कर दिए 10th class के, एक chapter number 1, that is Chemical Equilibrium, and second chapter, that is Acid, Base and Salt. Two very important chapter, exam point of view. Chemical equilibrium and acid, base and salt. Today we will start another chapter, class 10, that is organic chemistry. So the first question, that what is organic chemistry? That is one of the branch of chemistry, that is organic chemistry. So question, what is organic chemistry? Very simple. The study of organic compound is called organic chemistry. Organic compound ke study ko organic chemistry kehte hain. But question, that what is organic compound? Organic compound ke study ko to organic chemistry kehte hain. But question is that ke organic compound kya hote hain? What is organic compound? Organic compound can be defined on two bases. One, on the base of source, and second, on the base of composition. On the base of source, that is old concept about organic chemistry, which is presented by Jacob and 18th century. And on the base of composition, there is a modern concept about organic compound, which is presented by other scientists, that is Euler and so on. So what is organic compound on the base of source? Dekhe, naam se zahir hai, organic. ऑर्गेनिक कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को. आपको पता ही है दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है, एक प्लांट्स है और दूसरा एनिमल्स है. सो हर वो कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सोर्स ऑर्गेनिजम्स हो. क्या मतलब? मतलब वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा जिनका ओरिजिन, जिनका सोर्स ऑर्गेनिजम्स हो, मतलब प्लांट एंड एनिमल्स. मतलब जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही बनता हो. फॉर एग्जांपल, मैं ऑर्गेनिजम्स हो, दैट इज एनिमल्स, तो जो कंपाउंड मेरे अंदर बनता है, सो मैं उसका सोर्स हूं, सो दैट विल ऑर्गेनिक. या जो कंपाउंड प्लांट्स बॉडी के अंदर बनता है, प्लांट इज ऑर्गेनिज्म, सो दैट विल बी ऑर्गेनिक. तो कहने का मतलब है कि हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है जिनका सोर्स ऑर्गेनिजम्स हो. मतलब जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म बॉडी में ही बनता हो, दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स. मतलब आर्टिफिशियल जो कंपाउंड बने वो ऑर्गेनिज्म नहीं, वो ऑर्गेनिक नहीं होगा. सपोज ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है ना जो मैन मेड है, जो आर्टिफिशियल्स है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर बनता है. सो जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ना बने, ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर बने, वो ऑर्गेनिक नहीं है. वो ऑर्गेनिक है जो ऑर्गेनिज्म में ही बने, प्लांट एंड एनिमल्स.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाल्मेटिक एसिड्स को देखें, पाल्मेटिक एसिड, इसको इसलिए पाल्मेटिक एसिड कहते हैं क्योंकि पालम खजूर को कहते हैं, खजूर इज व्हाट प्लांट्स, क्योंकि ये एसिड जो है, ये कंपाउंड जो है, ये खजूर में बनता है, इसलिए इसको पाल्मेटिक एसिड्स कहते हैं। सो खजूर इज व्हाट ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का सोर्स ऑर्गेनिजम्स है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑर्गेनिक। इसी तरह फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लैपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। ये सारे वो कंपाउंड है जिनका सोर्स ओनली ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म जंदारों में ही बनते हैं। सो हर वो कंपाउंड जो सिर्फ जंदार में बनता हो, उसके बॉडी के बाहर ना बने, दे विल ऑर्गेनिक। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये जैकब का 18th सेंचुरी में, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज बेस ऑफ सोर्स। फिर आप लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैकब के मुताबिक, ऑन द बेस ऑफ सोर्स के मुताबिक सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही बन सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के अलावा नहीं बन सकते, इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं बन सकते ऑर्गेनिजम्स के बाहर? ओनली ऑर्गेनिज्म बॉडी में ही बनता है, आर्टिफिशियल क्यों नहीं बन सकते, लेबॉरेटरी में या बाहर क्यों नहीं बन सकते? वजह क्या है कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही बनेंगे? वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड की तैयारी के लिए एक फोर्स चाहिए जिसका नाम वाइटल फोर्स है। ऐसे कंपाउंड्स की तैयारी के लिए एक फोर्स चाहिए जिसका नाम वाइटल फोर्स है, रूह की ताकत। अब रूह की ताकत वाइटल फोर्स क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, आर्टिफिशियल चीज़ों में तो रूह नहीं होता, कुर्सियों में नहीं होता, टेबल में नहीं होता, लेबॉरेटरी में जितने केमिकल्स है उसमें रूह नहीं है, वाइटल फोर्स नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं बनेगा, ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म्स में बनेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ वाइटल फोर्स है, अलावा नहीं है। सो क्या रीज़न पेश किया जैकब ने क्यों सिर्फ ऑर्गेनिज्म में बनेगा, अलावा नहीं बनेगा? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए एक फोर्स चाहिए, दैट इज वाइटल फोर्स, दैट इज रूह की ताकत, और वो फोर्स क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, अलावा आर्टिफिशियल नहीं होता, इसलिए सिर्फ ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, अलावा नहीं बनेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। सो वाइटल फोर्स थ्योरी किसने पेश किया? जैकब ने 18th सेंचुरी में, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी All the organic compounds synthesized only in organism due to the presence of vital force in organism, and that is called vital force theory. क्या मतलब कि जितनी भी organic compound है वो सारे organisms में ही बनेंगे, क्योंकि organism में ही vital force होता है, अलावा नहीं होता, so that is called vital force theory. ये किसकी है? जैकब की, 18th सेंचुरी। बट लेटर ऑन दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड, बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। कैसे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आ गए, जो सबसे पहले आया था दैट इज यूरिया, जो ऑर्गेनिक है लेकिन उनका सोर्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो ऑर्गेनिक है लेकिन उसके लिए कोई वाइटल फोर्स जरूरी नहीं है, तो इसी तरह पर वो थ्योरी रिजेक्ट हुआ, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन 28 ईयर्स जो है ये थ्योरी कामयाब रही, 28 साल के बाद जो है ये थ्योरी फिर रिजेक्ट हो गई। 28 साल के बाद ये थ्योरी जो है ये फिर रिजेक्ट हो गई, 28 ईयर्स तक ये ऐसे थी। तो कैसे रिजेक्ट हो गई? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड आ गए जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म नहीं था, जिनके लिए वाइटल फोर्स जरूरी नहीं थी,
लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे बहुत सारे बन गए, दैट इज़ यूरिया एंड सो, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ सोर्स दैट, बट लेटर ऑन दिस डिफिनीशन दैट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट वॉज रिजेक्टेड वाई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आ गए जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, जिनकी लिए वाइटल फोर्स कोई नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनिक थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1828 में ओलर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ओलर साइंटिस्ट ने 1828 में एक कंपाउंड्स बनाया जिसका नाम यूरिया था, C-O-NH2, दैट इज यूरिया। बनाया कैसे? अमोनियम साइनेट, दैट इज एनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको जब हीट किया तो इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हुआ, दैट इज नोन एज यूरिया। सो जब इस कंपाउंड्स को उसने लेबॉरेटरी में हीट किया, दैट इज एनऑर्गेनिक, तो उससे इसके अरेंजमेंट चेंज हो गए और उससे एक ऐसा कंपाउंड बना विच इज ऑर्गेनिक, दैट इज नोन एज यूरिया। तो इसी से ये सारा कंसेप्ट ऑन द बेस ऑफ सोर्स वाला रिजेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इस कंसेप्ट के मुताबिक, जेकब के मुताबिक, वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही सिंथेसाइज हो सकते हैं जहां वाइटल फोर्स हो, आर्टिफिशियल नहीं हो सकते, लेबॉरेटरी में नहीं हो सकते। लेकिन 1828 में ओलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में बनाया विदाउट ऑर्गेनिज्म, विदाउट वाइटल फोर्स। कैसे? अमोनियम साइनेट लेके, दैट इज एनऑर्गेनिक, उसको हीट किया, उसकी अरेंजमेंट ऑफ द एटम चेंज हो गई, तो इससे कंपाउंड बना विच इज यूरिया। और इसी तरह जब आर्टिफिशियल बना, लेबॉरेटरी में बना, विदाउट वाइटल फोर्स बना, विदाउट ऑर्गेनिजम्स बना, तो ये सारा कंसेप्ट पर रिजेक्ट हुआ। सो देन हाउ वी डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड? सो हम नेक्स्ट बेस पे जाएंगे, दैट इज मॉडर्न डिफिनीशन, दैट इज ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मॉडर्नियम कैसे डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। सो देयर इज ऑल अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड व्हाट इज वाइटल फोर्स, एंड व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड हाउ दे आर रिजेक्टेड, एंड सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।